अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? ठीक हैं? लाइव विद काजी मुबासी और गुड आफ्टरनून। तकरीबन अब तो शाम का टाइम है और कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। कल की ज़बरदस्त स्नो फॉलिंग के बाद आज मलका कोसार मरी का मौसम क्लाउडी प्लस फॉगी प्लस आपके सामने है, धूप भी निकल रही है और धुंध भी है, ठंड भी ज़बरदस्त किस्म की है और सबसे बढ़ के इस खत्ते से प्यार करने वाले लोगों की रश इस दफ़ा रिकॉर्ड की गई। अब तो मैं कहूँगा बुकाट रह गया फ़िलहाल, और यही कौम है और यही इस कौम का हुसन है कि वो इस मुल्क के हर खत्ते से प्यार करते हैं, अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं और ख़ूबसूरती को प्रेफर करते हैं और प्रोपेगेंडास को माइनस करते हैं। जी आ रहा हूँ, आप चले मैं आता हूँ। तो जी लाइव विद काजी मुबासी, कैसे हैं? काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी इनबॉक्स चल रहे थे, ज़बरदस्त किस्म का लोग सारे मुझसे पूछ रहे हैं। जी रोड्स मलका कोसार मरी के रोड, जी कल मगरिब तक हाईवे डिपार्टमेंट हमेशा की तरह सोया रहा और सत्तू पी के सोया हुआ था कल, इसलिए लोगों को इतनी परेशानी हुई मगरिब तक। मगरिब के बाद हाईवे डिपार्टमेंट जागा और हमारे एसी साहब भी जागे और हमारी बाकी इंतज़ामिया भी, क्योंकि उन हमें ज़रूरत है रोड्स की और आप लोगों की सहूलत की। और यहाँ पे स्नो गाला मनाया जा रहा जिसका इतना कोई मेरा नहीं ख्याल के ज़रूरत है। स्नो गाला वहाँ ज़रूरत है जी जहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की स्नोफॉल हो, फिर मज़ा भी आए और आप लोग भी इंजॉय करें। लेकिन यहाँ इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, लेकिन अच्छी स्नोफॉल है, हर जगह हर प्लेस पर लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं और लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया, आप सब ने इंजॉय किए। कल एक रिकॉर्ड रश था और लंबी कतारें थीं ट्रैफिक की, बहुत लंबी, जो के मगरिब तक रोड ना साफ़ होने की वजह से मुश्किलात पेश आईं। लेकिन हमारे सीटीपी के चंद और बुरा कंपनी के कुछ लोग ज़रूर काम करते रहे, उन्होंने जिस हद तक हो सका इसको कवर अप करने की भी कोशिश की। बाकी में किसी किस्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब इंतज़ामिया का काम का वक्त होता है तो फिर ब्लेम होता है गवर्नमेंट पे और ETC, यहाँ कोई काम नहीं करता। तो बहरहाल जी हमारा काम था अल्हम्मा भलम्मा आपको अपडेट देना, लाइव अपडेट बताना, दिखाना और ये मलका कोसार मरी की खूबसूरती को आपके साथ शेयर करना और मज़ेदार तरीके से। तो वेलकम जी ऑल ऑफ़ यू, रहमान कुरैशी साहब कैसे हैं, मतीउल्ला, सादिया, हानिया गुल, सफदर साहब, अब्दुल मनान क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मनसा मुनीब और भूपन भी, कल स्नो थी, सब जगह स्नो थी जी। नसीर साहब, हाजी रुखसार, नज़ीर साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नसीर साहब, हाजी साहब भाई मैं 13 को कराची से आऊँगा, मोस्ट वेलकम जी, आएँ इंजॉय करें। 11-12 को स्नोफॉल की स्पेल है। आबिद साहब वालेकुम अस्सलाम, उज़्मा अरशाद, राहिला वालेकुम अस्सलाम, रोहा मुर्तज़ा, सोहेल गुलजार, आबिद साहब, मदिया, रोहा और सादिया, नैना शाह, राहिला अकरम, मोहम्मद आबिद, जैनब खान, लैला खालिद, सैयद नैना शाह, शरी रियाज खान और मुजाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम, मतीउल्ला, उस्मान बशीर और फ़रयाल अब्बासी, फैसल मंसूरी, हनी क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ज़ोया मरीम। तो जी ये मलका कोसार मरी का कल की रिसेंट स्नोफॉल के बाद खूबसूरत मनाजिर, धूप, छाव, धुंध और बादल हमेशा की तरह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रहा आप सुनाएं। वहीद साहब वालेकुम अस्सलाम, मुजाहिद मुश्तबा साहब वालेकुम अस्सलाम, दुबई से रफीउद्दीन साहब, 11-12 को चांस हैं जी। और अब ये है कि गलियात साइड की रोड फ़िलहाल क्लियर नहीं हुई, अभी वहाँ पर बर्फ़ स्नोफॉल मरी से ज़्यादा है। अगर मरी में रिकॉर्ड की गई है जी 2 फीट प्लस, तो वहाँ पे तकरीबन 3 फीट से ज़्यादा स्नोफॉल है और वहाँ का सर्दी और प्रेशर हवा का मरी से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जंगलात है, जंगलात जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी, ठंड होगी और आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इस टाइम जाना अभी फ़िलहाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ के इंतज़ामात KPK गवर्नमेंट के पास हैं और KPK गवर्नमेंट उस रोड को, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जिस हद तक हो सके नथे के लिए यूबिया की रोड को फुल फोर क्लियर करें, ताकि जो सयाह हमारे आज़ाद वहाँ जाने वाले हैं, आने वाले हैं, वो सेफ़ एंड साउंडली अपने मकाम पर पहुँचें। बिस्मा पाशा पैराडाइज बिल्कुल ऐसी, शहबाज साहब बिल्कुल ऐसे ही है, शुएब साहब, फजल भट्ट और सर अल्लाह की नेमत है मरी और दैट साउंड। अच्छा जी आप कहते रहे सर शहबाज साहब, अगर दुनिया थी और 80,000 प्लस कल गाड़ी
रात 12 बजे तक मलका एक कोसार मरी में इंटर हुई, और ये मुंह बोलता सबूत है कि हर दिन हर खित्ता यहाँ का बहुत खूबसूरत और हर जगह खूबसूरत, और श्लोक को इस जगह को हर बंदा पसंद करता है। आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट देता चलूँ, ऐसे हमारे मरी में ऑलरेडी ग्लोरिया जींस तो ओपन हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब टू बेस्ट चेन्स जो आ रही हैं, एक है स्वीट टूथ जिनके जो बहुत जल्दी अपनी ओपनिंग कर रहे हैं एक्सप्रेसवे पर, फिर उसके बाद है सेकंड कप वालों ने जगह ले ली है, उनका काम जारी और सारी है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे सेकंड कप जो है वो भी ओपन हो जाएगा, स्वीट टूथ भी ओपन हो जाएगा जी, और फिर एक बेस्ट चेन आपको एक्सप्रेसवे पे मलका कोसार मरी में मिलेगी, और आप उससे मज़ीद लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं अपने टाइम के साथ। और जैसे ही वो ये चेन्स ओपन होंगी हम उनको भी लाइव दिखाएंगे, आपको भी अपडेट करते चलेंगे। सुमान बशीर साहब रिपोर्ट रोड्स की आपके बिल्कुल सामने है, मरी के मैक्सिमम रोड्स जितने भी हैं जी माशाल्लाह सब ओपन हो चुके हैं, लिंक रोड हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, जीटी रोड हो गया, और उससे कनेक्टिंग जितनी रोड्स हैं, कुलन्ना है वहाँ से ऊपर आना वो भी ओपन है, कश्मीर पॉइंट पिंडी पॉइंट तो खैर जा नहीं सकते, वहाँ पर नो गो एरिया ही कह लें, लेकिन बहरहाल अभी जो मेन जितनी रोड्स थी तकरीबन बाड़ियाँ कैंट तक क्रॉस करते तक ओपन हो चुकी हैं, और उससे आगे अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तैर सईद साहब, जिशान साहब, सईदा अभी तो मैं 11 नंबर पे खड़ा हूँ और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहरहाल आगे देखेंगे। किन सखा रोड की पोजिशन आपके बिल्कुल सामने, ये मेन रोड है जो मैं आपके उकप पे आप देख सकते हैं कि कैसा है। आबिद साहब होटल्स के क्या रेट हैं? ज़्यादा हैं जी, थोड़े से है, इसलिए हैं कि स्नोफॉल होगी है, रश बहुत है, आने जाने वालों का काफ़ी अच्छा गैदरिंग है। जुनेद खान साहब वालेकुम अस्सलाम। फरीद खान इस लफ्ज़ को अपने साथ ही दफन कर लेना, और आपके मुंह पर तमाचा है मेरा भाई कि 80,000 गाड़ियाँ सिर्फ एक दिन में दो दिन में इंटर होना कोई मजाक नहीं है, तो ये आप अपने मुँह पर ही भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है। समद भाई वालेकुम अस्सलाम, असीफ अली वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा सर्दी बहुत है जी, -degree centigrade चल रहा है जी अभी, और अभी का करंटली टेम्परेचर है -1 और फील हो रहा है -2-3, तो ये करंट है। अबाब खान रूम रेट फल्कन इन कैसा? बूरबन बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा है, आप जाएं खुशी से रहें, मज़ा आएगा आपको। फरीद खान इसके बाद आपका कमेंट हुआ तो मेरा भाई तो आप बाइकआउट पक्के पक्के बाइकआउट का बुकआउट हो जाएंगे आप। यासिर वाज साहब कैसे हैं सर? ठीक है, मलेशिया से। अरबाब का रूम रेट बता चुका हूँ। मोहम्मद अबू बकर स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, 11 और 12 को फिर से इंशाल्लाह अच्छी स्नोफॉल की स्पेल है जो आपको देखने में मिलेगी। वालेकुम अस्सलाम शरीर अब्बासी, कैसे हैं आप? अरबाब खान शजल भाई कैसे, तबीयत है आपकी? ठीक है, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है। और ये कैमरे को घुमाते हैं जी, हल्के हल्के चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, आगे जा रहा हूँ मैं, अभी आगे जा रहा हूँ, थोड़ी देर मुश्किल है ऊपर आऊँ। उस्मा बादशाह ये हैं जी हालात आपके बिल्कुल सामने। अली आरिश क्या हाल हैं, कैसे हो? कराची कैसी हालात हैं, मौसम ठीक है कि नहीं? रश बहुत है जी, आज भी अच्छा क्राउड है, ज़बरदस्त किस्म का दिलबर साहब, और लिफ्ट चल रही है जी पिंडी पॉइंट वाली भी और पितराटे वाली भी। तैर सही दबाई साहब, सर लोकल रोड्स तो देखें, ये हमारा लोकल है, ये खुद ही ओपन नहीं हुआ, इसको भी मशीन ने क्लियर कर दिया, और अब कौन सा लोकल रोड कोई भी बंद नहीं है जी, और मेरे ख्याल से तो जहाँ पे मेन एक्सेस टूरिस्ट की होनी चाहिए वो रोड सारे ओपन हैं, तो रेस्ट ऑफ द रोड्स हाईवे डिपार्टमेंट का काम है, वो ओपन करें जी, सारा साल बैठे रहते हैं और यही टाइम होते हैं 8-10 दिन काम के, तो हम तो बिल्कुल भरमला कहते हैं, हमको काम करना चाहिए, हिलना चाहिए ताकि आप सबको कोई आने में मसला ना हो। गेस्ट हाउस कहाँ से जकरिया साहब? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू। कौन सा गेस्ट हाउस है? सनशाइन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो सर इस्लामाबाद में तो आएंगे तो देखेंगे, यहाँ तो अभी हम मरी हैं फ़िलहाल। शम्सुल इस्लाम कैसे हैं सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, और स्नोफॉल भूरबन में भी है जी। हारून खान कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। 3+3 नॉर्मल में -3 होगा जी, यहाँ पे -1, -2, -3 ही चल रहा है, और ये देखें खूबसूरत व्यू मलका कोसार मरी का, और ये एक्सप्रेसवे आपके बिल्कुल सामने एक लंबी लाइन होगी, और ये लिंक रोड है जो कि लॉरेंस कॉलेज रोड इसको कहलाता है, जगह गली से जाके निकलता है, और सब क्लियर है। अरबाब खान साहब फहद बेली क्या हाल हैं? इंजॉय करें सर। शमा साहब
नो प्रॉब्लम। और भगत खान कैसे हैं आप? ठीक हैं? तैमूर साहब कैसे हैं? सर वालेकुम सलाम, लाहौर से आप सुनाएं। ठीक हैं सर, मरी किस जगह पे हो? मैं लोअर बाज़ार वाली साइड पे हूँ। और बाब खान और अली साहब कैसे? टिफ चल रही है सर, बता दिए मैं हूँ। रोड ब्लॉक है, बंद है, कुल्डन्ना से जगह गली। नासिर खान साहब ऐसा ही है सर, और जो लोग मरी आते हैं उनको एक और बताऊँ कि जब आप मसैड़ी लिंक रोड मसैड़ी के पास पहुँचते हैं, मसैड़ी चौक, वहाँ से एक लिंक रोड ऊपर हो रहा होता है तो एक्सप्रेसवे से जब आते हैं तो उसको फॉलो कर लिया करें, उसमें रश कम होता है। जिस रही आप देख सकते हैं ये रोड है और ये लिंक रोड है, जो मैं आपको जूम करता हूँ ये है, इसके बिल्कुल ये जो रोड आप देख रहे हैं जो टर्न है इसके बिल्कुल नीचे एक्सप्रेसवे है, और ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट टू, ये जगह से एक दो तीन चार चार गाड़ियाँ साथ चल रही हैं, ये लिंक रोड है मसैड़ी से जो ऊपर आता है, ताकि यहाँ से आप इजीली आप झिघा गली पहुँच जाते हैं, झिघा गली से फिर माल रोड कुल्डन्ना वाली साइड से फंसने से बेहतर है कि आप इधर से हैं। कुल्डन्ना इसलिए रश है कि लोग अयूबिया नथिकली वाली साइड का भी काफ़ी ज़्यादा फ्लो है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी जा रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे रश बहुत होगी। तो वेलकम जी ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है कि लाइव विद काजम अब्बासी, और ये है दोपहर का टाइम। मलका कोसार मरी ने कल की ज़बरदस्त किस्म की क्राउड के बाद आज फिर उसी किस्म, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का क्राउड है, लोग आ रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, इन्जॉय कर रहे हैं और फुल टाइम अपने वीकेंड और अपने टाइम को अच्छा बना के, यादगार बना के सेफ़ एंड साउंड अपने मकाम तक पहुंच रहे हैं। इसमें बहुत सर्दी है मारिया, जब आपका प्रोग्राम बने ज़रूर हैं अबिया खान और उमर आसिम, ये आप मेहरबानी करके यहाँ से चलते ही चलें सर, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। इस अल्फाज को अपने पास ही रखें। शरीर वासी क्या हाल है? तैमूर साहब, मोहम्मद खुर्रम, अब्दुल फारी, वालेकुम अस्सलाम, फाज साहब कैसे हैं आप? थैंक यू समय सदर सब सरदार सॉरी तैमूर खान साहब, थैंक यू अहमद दानिश इकबाल, वालेकुम अस्सलाम, शीजा चौधरी, रोड स्लिपरी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तैर साहब वालेकुम अस्सलाम, जब मैं अवलाद से आना हुआ तो स्नो की वजह से गाड़ी लग गई थी नथियागली की तरफ, हाईवे वालों को पुश किया करें। सर नथियागली जो है वो हमारे पंजाब में नहीं आता, और मैंने कल भी इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताया था कि जब बाड़ियाँ कैंट की आप हदूद क्रॉस करते हैं, टूल प्लाजा जो आता है उसके बाद वो केपी के गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और केपी के गवर्नमेंट का एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से आगे केपी के गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार है। टूल प्लाजा तक पंजाब गवर्नमेंट की हदूद है, पंजाब गवर्नमेंट उसको टूल प्लाजा तक क्लियर करती है, उसके बाद आगे उनको नहीं अलाउ हो जा जाएँ। हाँ अगर स्पेशल कोई बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस हो, कोई स्पेशल इंसेंटिव लिया हो CM ने या किसने भी, तो फिर लास्ट ईयर की तरह वो नथिगली जाके और UPI उनकी रोड्स क्लियर करेंगे, अदरवाइज़ ये उनके बाउंड्री में नहीं आता। कुल्डन्ना रश है जी मारिया, और चांसेस आर देयर कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह स्नोफॉल होगी और अच्छी स्नोफॉल का स्पेल आपको देखने को मिलेगा मज़ेदार। 11 और 12 तारीख को दुबई से बात कर रहा हूँ सर। खुर्रम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? रूम बिल्कुल इनबॉक्स करें, जिनको जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो इन्फो चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ये कोशिश देख लें, ये रश देख लें लोगों का, ये मुँह बोलता सबूत है कि अब कोई बात बकाया रह नहीं जाती, कि जिस रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं सकता। सारी तारीख थैंक यू वेरी मच। 15 को आना है सर, मोस्ट वेलकम है मुना मलिक और कासिम साहब। नेक्स्ट स्नो फॉल जब होगी सर 11 और 12 को? फातिमा इंद्रीस वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खुर्रम साहब, रेट सर आजकल थोड़े ज़्यादा ही चल रहे हैं, तकरीबन 5K 6K चल रहे हैं। आसिम साहब वालेकुम अस्सलाम जी, शब्द भाई ऐसा ही है, इसी वजह से ये होता है। और अभी भी जो कल से भी शोर था और सब कुछ था कि मरी लिख के फिर आगे गिलियात साइड नथिगली लिख देते हैं कि रोड ब्लॉक है, तो उसका मरीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक KP के गवर्नमेंट का है। और मैं इस इलेक्शन में काफ़ी दफ़ा और कल भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि ऑल ये जितनी प्रिपरेशंस हैं ये उन्होंने ही करनी है, और उन्होंने ही आपको बताना है कि क्या हालात हैं, कैसे हैं वहाँ के, खुले हैं कि नहीं। हमारा काम है इस चीज़ को अपडेट और आप सबके इसके थ्रू एक मैसेज देना कि अगर जब हमें वो देख भी रहे होते हैं, वॉच बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, ताकि आप सब जो लोग नथिगली UBA में हैं उनको सेफ एंड साउंड वहाँ से निकाला जाए। तो वहाँ की रोड्स ओपन होना कोई आसान नहीं है, बर्फ़ मरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये धुंध आपके सामने है और ख़ूबसूरत व्यू है, बहुत दूर तक बर्फ़ की है, स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त किस्म की, 3 महीने में होगा, किधर से 3 महीने होगा स्नोफॉल मार्च तक जी रहती है, और मार्च तक वक्फन फवक्तन चलती रहती है, और ख़ूबसूरत स्नोफॉल आपको देखने को बिल्कुल मिलती है। 20 को आ रहा हूँ, मोस्ट वेलकम जी, आएँ ज़बरदस्त है, इन्जॉय करें सर, आपका अपना शहर है। हरिपुर से कितना टाइम लगता है मरी का?
हरिपुर से मेरा भाई एबटाबाद से आओ नथिया गली तो फिर मैं फिर भी 2 घंटे ही हैं, और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइव कैसी है और किस तरह की है। और ये जिनको लिंक रोड का पता होता है ये यहाँ से फॉलो करते हैं और सीधा ये जाके माल रोड से शॉर्टकट ऊपर निकल जाएंगे। मियाँ हसन साहब क्या हाल है सर? खुर्रम साहब आठ सौ से एक हज़ार तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन दिनों ये हालात चलेंगे। बहरहाल ये स्नो के बाद ही देखा जाएगा, आपको शायद ही कहीं मिले, ये तो आप गुमान नहीं है। हाँ आगे आप लगा लें 3 से 4 हज़ार मिनिमम रेट चल रहा है जो कि हर होटल का है, और अच्छे से अच्छों का तो 6 से 7-8 हज़ार चल रहा है जी। तो बर्फ़ हाथ में लेकर दिखा दें, बर्फ़ हाथ में लेकर दिखा देते हैं जी, बर्फ़ का क्या मसला, लेकिन ये पानी वाली है और इससे सत्यानाश हमारा होगा। चलें कोई बात नहीं, जो आपकी विश है ज़रूर पूरी करते हैं जी। ये बर्फ़ चूना नहीं है, ये बर्फ़ बर्फ़ है जी, और ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ है। और ये देख लें मज़ेदार बर्फ़, बेहतरीन, और इस बर्फ़ का अपना मज़ा है जी, और इसमें ही में लोग दुनिया एंजॉय करती है दुनिया, और हम भी एंजॉय करते हैं आपके साथ साथ। ये देख लें जी बर्फ़, मलका कोसार मरी जी, ठंडी ठंडी पानी वाली, यहाँ पे मौसम खुल रहा है, यहाँ के व्यू टोटली डिफरेंट होता है, और हालात रोड्स के बिल्कुल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। कल शाम तक नहीं थे, लेकिन शाम के बाद जिन्होंने काम करना था फिर करना शुरू किया, हालांकि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग के तहत काम होने चाहिए ताकि आप सेफ़ एंड साउंड जा और आ भी सकें। यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग यहाँ से आ रहे हैं वो मस्त आएँ, और जो स्पेशलिस्ट रोड से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि आगे जाके स्लिप होना है, अभी गाड़ी वाले चले तो गए हैं मेरे भाई, तो खैर से ही वापस आए, हम तो यही कहते हैं, क्योंकि आगे स्लिप है, ये लिंक रोड है, आगे क्लियर नहीं होती। तो जी ये देखें व्यू एक्सप्रेसवे का आपके बिल्कुल सामने है, रोड्स पे गाड़ियों का माशाल्लाह आना जाना आपके सामने है, और लगा हुआ रेंट आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्नोफॉल बिल्कुल सैटरडे इंशाल्लाह खैर करे, हैवी स्नोफॉल तो हो चुकी है तानिया यूनिस, और इससे हैवी फिर कब होगी जब सम्बेसर रोड डाउन होगा, लेकिन बहरहाल इस आज के टाइम की सबसे हैवी स्नोफॉल है, 2 फीट प्लस रिकॉर्ड की गई है, और बेहतरीन है। अभी कमरा कितने का किराया है मुझे तो नहीं पता मेरे भाई, हर होटल का अपना पेज बना हुआ है, आप उस पर जाएँ, उसको विज़िट करें, उसको देखें भालें, और इंशाल्लाह आपको रेट क्लियर हो जाएगा। ठंड बड़ी ज़बरदस्त है जी, -2-1 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, लोगों का माशाल्लाह आना जाना आपके सामने है, और खूब हल्ला गुल्ला बर्फ़ में, फैमिलीज फ्रेंड्स सब कुछ जारी और सारी है, वेरी सेफ, टू मच सेफ जी। और ये फैमिलीज़ ही आप देख सकते हैं, गौर करें तो इन गाड़ियों में ये फैमिलीज़ ही हैं जो कि कल से 80,000 प्लस यहाँ पे इंटर हो के वापस अब अपने सेफ़ एंड साउंड अपने मकामात पे पहुँच चुके होंगे, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। बहुत कमाल वेदर है जी, और मियाँ हसन साहब, सनिया फारूक, थैंक यू वेरी मच ब्रो, आपकी वीडियो साफ़ नहीं आती कभी कभी, बस जब साफ़ नहीं आती उसका रीज़न यही होता है, या तो सिग्नल्स का इशू होता है या फिर धुंध होती है, तो अब क्या कर सकते पीसी बुरबन, टू मच फन हेयर काजिम भाई, बहुत ज़बरदस्त बासी साहब, इंजॉय करें सर पीसी बुरबन, थैंक यू वेरी मच आपका, आपके इस प्यारे कमेंट का शरीर। अभी आप किस साइड पे हैं? मैं MIT में हूँ, किस साइड पे हूँ, नेक्स्ट फॉल एक्सपेक्टेड बताओ महा साहब। वालेकुम अस्सलाम फरहान शरीर, नो प्रॉब्लम, आपने देख ली विश पूरी हुई, चलें तो अच्छा हो गया, स्नो ख़त्म आज हुई है, कल हुई है जी, आज नहीं। तारिक अजीम साहब क्या हाल है सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल बचा नहीं है रहा। अच्छा जी पूछ के आओ, रेंट रूम पूछ के आता हूँ जी, बिल्कुल उसके बाद यही काम रह गया है रूम रेंट की। और सर बहुत मेहनत कर, सर दानी साहब थोड़ी सी मेहनत हमारी मैक्सिमम आपकी, आप लोगों का काम शेयरिंग करना है, और जितना शेयर करेंगे तो हमारी थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा मेहनत रंग लाएगी, जब ये हर जगह हर प्लेस पर ये खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग शेयर होती रहेगी, मरी का खूबसूरत व्यू लोगों को मिलता रहेगा, मरी और इस पेज को हमारे फॉरनर्स बहुत फॉलो करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया, कमेंट्स भी आपको देखने को मिले, ताकि हमारा मरी पूरी दुनिया में देखा जाता है जी, तो जितना हो सके इसको लाइव स्ट्रीमिंग शेयर ज़रूर किया करें। रश मत करें, इतिहास से चलें,
सेफ़ एंड साउंड जाएं, और भागने से बेहतर यह है कि 5 मिनट लेट ही चाहिए, लेकिन एहतियात, बहुत एहतियात, एहतियात ज़रूरी है। अलकमर कितना दूर है? अलकमर यहाँ से 15 से 20 मिनट की जी वॉक है, और 15 से 20 मिनट में आप जा सकते हैं माल रोड पर, माल रोड से फिर अलतियात सही रोड। अब्दुलसलाम साहब थैंक यू वेरी मच, और आयजा खालिद थैंक यू वेरी मच साहब आपने। जी बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं अब होटल्स वाला तो हूँ नहीं कि रूम क्या, मैं यहाँ पे आपको 3,000-4,000 तो बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता आगे जाए आप कहें जी वहाँ तो 6,000-7,000 की बात हो रही थी, तो फिर तो काम ख़राब हो जाए और फिर तो गिले शिकवे शुरू हो जाएँ। तो बेहतर तो यही है जी कि आप हर होटल जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करें, उसका पेज है प्रॉपर, ताकि आपको मज़ेदार किस्म की बर्फ़ और सॉरी रेट मिला करें, और जो आपको पसंद है वो आप लिया करें। शौकत अली साहब थैंक यू वेरी मच आपका। विक्की साहब अगले ट्रिप कहाँ है आपका? और ये ज़बरदस्ती लाहौर में तो बहुत अच्छी बात है उसामा, अच्छी बात है, होनी चाहिए। वहाँ पे धुंध फॉग बहुत ज़्यादा है, तो बारिश होने से थोड़ी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। स्काई आइज नेक्स्ट स्नोफॉल बता चुका हूँ, अगेन जो लिसनर हैं सुनने वाले नेक्स्ट स्नोफॉल स्पेल जी सिग्नल साथ देना छोड़ देते हैं जी, इस वजह से ये हालात हो जाते हैं। बहरहाल आज की लाइव अपडेट देता चलूँगा। नहीं है मरी में 2 फीट प्लस स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई, और गलियात रीजन में 3 फीट प्लस, और आने वालों के लिए मोस्ट वेलकम, रूट्स टोटली क्लियर हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप जब मरी और गलियात साइड विज़िट करते हैं अपने फ्यूल टैंक्स फुल रखा करें, खाने का इंतज़ाम पूरा रखा करें, और खाने पीने की अशिया और गर्म स्टफ़ स्पेशली अपने साथ ज़रूर रखा करें, ताकि किसी किस्म की अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज भी होती है तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उससे बढ़ के CTP के साथ बहुत तआवुन किया करें, रॉन्ग पार्किंग से गुरेज करें, 2 लाइंस 3 लाइंस को अवॉइड करें। जब 2 लाइनें 3 लाइनें बनती हैं और रश की वजह से, तो फिर क्या पैनिक क्रिएट होता है और फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, सब्र तहम्मुल से चलना चाहिए, और ख़ूब इंजॉय करना चाहिए इस टाइम को और इस वक्त को, ताकि आप अपना टाइम अच्छी तरह स्पेंड करें। जो तैमूर क्या हाल है सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, भलो। शहरीरबासी 24 कराची का है और -2 डिग्री सेंटीग्रेड मरी का चल रहा है, और नेक्स्ट जब होगी तो इंशाल्लाह तभी बताएंगे। मंजूर अहमद साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं। तो ये जी मरी मलका गुसान मरी का आज का खूबसूरत व्यू, और चलेंगे आपको भी इंजॉय कराएंगे, ख़ुद भी खूब करते चलते जाएंगे। तो माल रोड की सिचुएशन माल रोड पर जाके पता चलेगी। मलिक फैज़ साहब क्या हाल है सर? कैसी तबीयत है? स्टिल इन सेफ एंड साउंड। बस ये सिग्नल्स थोड़ी प्रॉब्लम कर जाते हैं और फिर हम भी थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये देखें खूबसूरत व्यू, ट्रैफिक की सिचुएशन बता दी है जी, आना जाना काफ़ी ज़्यादा है, फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। फिर साहब ठीक हैं? महीर खैरी, वालेकुम अस्सलाम। और मुनीब अहमद साहब क्या हाल है सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। तो ये बाज़ार गाड़ियाँ नहीं जाती जी, और चल पड़े हैं आगे की तरफ। कल बहुत तंग हुए, 5 घंटे एक्सप्रेसवे से फंसे बस। हाँ मास्टर साहब यही ही था कल आपके सामने था, और जो बताया भी था मैंने कि कल बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत क्राउड था, और माशाल्लाह एक रिकॉर्ड रश रिकॉर्ड किया गया मरी में, जो कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा रश था, जो कि कल था। तो 80,000 प्लस गाड़ियां कल आना जाना काफ़ी लगा रहा, जो आपके सामने था। तो होटल में एक रात स्टे नहीं पता जी कंफर्म क्या है। हमेर क्या हाल हैं? आ गई घर से कॉल जी, बिल्कुल घर से कॉल तो फिर आनी ही होती है, और ये तो मामला चलते ही रहते हैं, घर से होगी फ्रेंड्स की होगी। तो आवाज़ हल्की इस वजह से
कि सिग्नल्स के फिर ड्रॉप होने का ख़तरा था, हमने कहा अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये है जी दोपहर का टाइम, बल्कि अब तो शाम है, सूरज हमारे बिल्कुल अकब में है, इसके बाद कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा, रश चलना बिल्कुल महान हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस रश में, इस कोहरे में चलना, क्योंकि ये फ्रीजिंग शाम को बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल से चला जाता है, और सुबह के टाइम इससे ज़्यादा खपत आप कह लें रश होती है, सॉरी रश नहीं, चलना बहुत मुश्किल होता है, स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, शाम में स्लिप हो जाती है, रोड्स में पानी होता है तो वो जैम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमेशा की तरह थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। और ये देखें जी बादल आपके बिल्कुल सामने, खूबसूरत बादल हैं मलका कोसार मरी के, बेहतरीन किस्म के, ये चक्कर ये भी घूमने फिरने मरी आए हैं जी। अब इनमें कौन होगा, लाजमन कोई ना कोई फटीक। और जदे खान वालेकुम सलाम, मिसमा बादशाह, वहाँ की फूड स्ट्रीट, कुछ खाने पीने की फूड स्ट्रीट पर भी लाइव जील ज़रूर बिस्मा ज़रूर आएंगे, काफ़ी दफ़ा आए हैं, फिर आएंगे उमर ख़ान साहब। ये कल पड़ी है जी बर्फ़, और कल के बाद ये हालात हैं आपके बिल्कुल सामने मुल्क कोसार मरी के। कल बहुत गाड़ियाँ टकराएं, यही बात होती है खुर्रम मास्टर साहब, क्योंकि सर एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर मुश्किलात का ज़रूर सामना करना पड़ता है। मलिक फैज़ साहब कहाँ हैं सर, अभी निकल गए हैं, इधर ही हैं, कैसे हैं, किस जगह पे हैं? तो जी रास्ते सब ओपन हैं, अमन मुगल बिल्कुल बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त किस्म के हैं। और नुमान जैदी क्या हाल है सर, ठीक है, नेक्स्ट कब एक्सपेक्ट है? इंशाल्लाह जी नेक्स्ट स्नोफॉल अल्लाह खैर करेगा तो आने वाले टाइम में 11 और 12 तारीख का एक्सपेक्टेड है, और अभी की जो स्नोफॉल होगी वो इतनी बेहतरीन है कि जो स्नो इन्जॉय करने वाले हैं वो फुल टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छा टाइम होता है जब स्नोफॉल हो रही होती है, लोग तब इन्जॉय तो करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि शायद रोड्स नहीं खुलेंगे, बहुत दुनिया निकल पड़ती है। तो उसके लिए मुझे आप सबको एक मैसेज ज़रूर देना है कि जब आप आते हैं स्नोफॉल इन्जॉय करने तो फिर उसको फुल टाइम इन्जॉय किया करें, ना कि परेशान हुआ करें, पैनिक हुआ करें, आराम से जब आ ही रहे हैं तो फिर उसको मज़ेदार तरीके से इन्जॉय किया करें, रोड्स भी खुल जाते हैं, टाइम भी स्पेंड हो जाता है। लेकिन जो रश करते हैं फिर उसकी वजह से डबल ट्रिपल लाइंस होती हैं और फिर परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाइक्स तो बेहतरीन इंजीनियर साहब क्यों नहीं चल सकती सर, अभी बाइक बल्कि मेरे लास्ट में एक आया भी था, आप अगर देखते तो मज़ेदार जी, रोड्स तो अब क्लियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, टेम्परेचर -112 चल रहा है। निगत इस्लाम अभी हम भी बाराकाओ से वापस आ गए हैं, बहुत रश है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बाराकाओ स्ट्रक होगा आज तो, प्रिंस इस्लामाबाद के ज़्यादा लोग होंगे, आना जाना उनका होगा, और इस वजह से फिर बिल्कुल चौधरी उसामा साहब मोस्ट वेलकम, जब आपका दिल करें आएँ इन्जॉय करें और वापस सेफ एंड साउंड जाएँ। गाजी में स्नोफॉल फिर होगी या नहीं अल्लाह को मालूम है, और इंशाल्लाह बता दिया है ऑलरेडी के जी 11 और 12 जनवरी को फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, और एक अच्छी स्नोफॉल का स्पेल है जो आप देखेंगे फिर, और फिर ये चलता ही रहेगा मार्च तक इंशाल्लाह। ये लें जी बाइक वाले जो कह रहे थे, ये जा रहा है बाइक की ख्वाहिश भी पूरी होगी, देख लें फिर देख लें जी बाइक, ये बाइक दौड़ते हैं जी 125 CT 70 जिस मर्जी में आप आना चाहें, आप खूब अच्छी तरह आके इन्जॉय करके वापस जा सकते हैं। तो ये है जी मरी, और मरी का खूबसूरत व्यू।